Good morning, dear students. Welcome to your GK class. Today we will do the life sketch of Joseph Rudyard Kipling. Let's start with the first point. Rudyard Kipling was born on 30 December 1865 in Bombay, now called Mumbai, India, to a British family. Rudyard Kipling ka janm 30 December 1865 mein एक ब्रिटिश परिवार में हुआ था इन बॉम्बे, जिसे अब मुंबई कहा जाता है. सेकेंड पॉइंट इज ही वॉज एन इंग्लिश जर्नलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट एंड नॉवलिस्ट. वह एक पत्रकार, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट एंड नॉवलिस्ट थे. थर्ड पॉइंट इज हिज फादर्स एंड मदर्स नेम वॉज जॉन लॉकवुड किपलिंग एंड एलिस किपलिंग. उनके फादर का नाम जॉन लॉकवुड किपलिंग और मदर का नाम एलिस किपलिंग था. फोर्थ पॉइंट इज व्हेन ही वाज 5 इयर्स ओल्ड ही वाज टेकन टू इंग्लैंड टू बिगिन हिज एजुकेशन. जब वह 5 साल के थे तो शिक्षा शुरू करने के लिए उन्हें इंग्लैंड ले जाया गया. पॉइंट नंबर 5 इज ही रिटर्न टू इंडिया एट द एज ऑफ 17 टू वर्क एज अ जर्नलिस्ट. वह एक पत्रकार के रूप में काम करने के लिए 17 साल की उम्र में भारत लौटे. पॉइंट नंबर 6 इज ही वॉज बेस्ट नोन फॉर द चिल्ड्रंस स्टोरीज लाइक द जंगल बुक, किम, जस्ट सो स्टोरीज एट्सेट्रा. वह बच्चों की कहानियाँ जैसे द जंगल बुक, किम, जस्ट सो स्टोरीज आदि के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते थे. सेवन्थ पॉइंट इज ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1907. उन्हें 1907 में लिटरेचर के लिए नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया. पॉइंट नंबर 8 इज ही डाइड ऑन 18 जनवरी 1936. दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स. राइट दिस लाइफ स्केच इन योर फेयर नोटबुक in neat and clean handwriting. Thank you and have a wonderful day.